सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे प्रोग्राम पंजाब नाउ दे विच तुहाडा स्वागत है। ये सियासत है, सियासत दे विच बड़ा कुछ हुंदा है। कदी दोस्त दुश्मन ते कदी दुश्मन दोस्त बणदे ने। कदी एको ही पार्टी दे बारे, पार्टी दे अंदर रहण वाले ते पार्टी दे बाहर रहण वाले एको जी विचारधारा रखदे आ। ते कदी कदी इंज हुंदा कि जदों पार्टी दे अंदर हुंदे आ ते तुहाडे विचार पार्टी बारे कुछ होर हुंदे आ, जदों पार्टी तो बाहर निकलदे आ ते तुहाडे विचार कुछ होर हुंदे आ। हुण आम आदमी पार्टी नूं लैके कुंवर विजय प्रताप ते डॉक्टर धर्मवीर गांधी ये एक सुर जिहा नज़र आ रहा। और इतफाक देखो, एक बंदा पार्टी तो बाहर आ, दूजा बंदा पार्टी दे अंदर है। हुण किहड़ी गल ते एक सुर आ, चर्चा करनी बणदी आ ना। चर्चा इस गल दी वी करांगे कि सुप्रीम कोर्ट दे विच इलैक्टोरल बोंड्स नूं लैके चर्चा लगातार चलती पई है। डेली बेस पर हेयरिंग हो रही है और रोज़ कोई ना कोई नवा तत् निकल के बाहर आ रहा। और जिस पासे नूं यह बहस जा रही है वो घट्टो घट लोगों नूं यह संकेत दिंदी जरूर नज़र आ रही है कि घाला माड़ा तो है। बस इन्ना कु है कि सरकारां ढीठ होईआं पईआं, कहिंदे कर लो जो कुछ करना, साडा लेखा जोखा ना मनियो, अपने आधार कार्ड भी लिंक करा दो, अपने पैन कार्ड भी लिंक करा दो, अपने टैलीफोन भी लिंक करा दो, अपने खाते भी लिंक करा दो, अपनियां स्कीमां भी लिंक करा दो, साडे नाल कोई लिंक ना रखियो फंडां दा। सो यह भी चर्चा करनी बनती है। चर्चा यह भी करांगे कि उधर बिक्रम मजीठिया ने नौकरियां दे मामले दे विच एक बार फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां नूं घेर लिया। ते नाल जिक्र छेड़ना आपां पंज सूबियां दीआं विधानसभा चोणां दा। और इन्हां पंजां सूबियां दे विचों तीन विशेष तौर पर जिथे आमो सामने का मुकाबला भाजपा ते कांग्रेस दा आ, उहदे बारे सर्वे की कहिंदे ने, किहो जी परिस्थिति दे विच कांग्रेस आ ते किहो जी परिस्थिति दे विच इस समें भाजपा आ। तमाम नुक्तिआं दे उत्ते करांगे चर्चा। चर्चा करन लई मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भास्कर साहब, शुरुआत आप कुंवर विजय प्रताप ते डॉक्टर धर्मवीर गांधी होरां तो करांगे। मैं ना अज फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा सी उन्हां दी, डॉक्टर धर्मवीर गांधी होरां दी। पोस्ट कहिंदी है, आम आदमी पार्टी दे असल ते नसल नूं समझना आसान काम नहीं है। मैं भी भुलेखा ते मार खाधी है, पर कई अकलमंद लोग अजे भी मुगालते च लगातार बेवकूफ बनी जा रहे ने। केजरीवाल इज़ मोदी, वट ही हैज़ नॉट बिकम येट। हुण मैनू ये पोस्ट पढ़ के एक चीज़ ध्यान दे विच आई कि कुंवर विजय प्रताप ने भी जदों लास्ट टाइम मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दी वीडियो सांझी करदे आ पोस्ट पाई सी, तां उन्होंने कहा सीगा कि तुहाडी सियासत दे विच मैं आ गया, तुहाडी सियासत दा शिकार हो गया, पंजाब दे लोकां नूं मिलिया धोखा। पता नहीं क्यों मैनूं ये दोनों सरां इक्को जिहियां ही लगदियां, कुल मिला के आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स नूं लैके। और दिलचस्प गल ये है, एक बंदा आम आदमी पार्टी छड़ चुका तो एक बंदा आम आदमी पार्टी के अंदर रह के अपनी पार्टी च लड़दा पिया। देखो, यह तो सानू चंगी तरह पता है कि केजरीवाल किस नेचर के इंसान ने। हुण केजरीवाल उन्होंने अंदोलन तो, अन्ना हजारे के अंदोलन तो एक पार्टी बनाई, उस टाइम पार्टी के काफ़ी सारे लोग सी। उन्हां गल्लां दा आपां दुबारा रिपीट करांगे, चंगा नहीं लगदा। सारिआं नूं पता है कि कौन कौन बंदे जिहड़े बड़े प्रोमीनेंट फेसिस भी सी, इंटैलीजेंट भी सी, सूझवान भी सी, और इस पार्टी नूं बड़ा ही उच्चे लैके जा सकते थे, उन्हां सारिआं नूं पार्टी तों बाहर कढ दित्ता जी। और जिथे जिथे केजरीवाल उन्हां गए, अज दिल्ली की स्थिति की है कि जिस तरीके नाल 2 तरीक नूं केजरीवाल उन्हां नूं बुलाया गया सी, जे उह जांदे ते इह आशंका आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने लाई सी कि केजरीवाल उन्हां नूं गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर वह गिरफ्तार कर लेंदे या केजरीवाल उन्हां उत्थे जांदे तो तुम इस तो अंदाजा ला सकते हो दिल्ली के कितना वड्डा या आम आदमी पार्टी के कितना वड्डा पोलीटल क्राइसिस, क्योंकि जब पांच सूबे कैंपेन छेड़िया हुआ और उस करके खास करके तीन सूबे आम आदमी पार्टी जो गज बज के इलैक्शन भी लड़ रही है, उत्थे अगर केजरीवाल उन्होंने माइनस कर दो तो कैंपेन वास्ते कौन ने? भगवंत मान उन्होंने तो अलावा संदीप पाठक, बाकी सारे तीन लीडर जोड़े व्डे लीडर है बचों जिन्हों का नाम बोलता सगा, वो तीनों अंदर हो जाते। हूँ हालात है वे कि केजरीवाल उन्हें अपने तो वध सूझवान व्यक्ति को, हुण अपने तो वध कह लो जो भी सूझवान हैगा, वध तो खैर अपना तो वध कोई किसी को समझदा ही नहीं,
लेकिन किसी भी पार्टी से बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुण गल धर्मवीर गांधी दे उत्ते आई है। धर्मवीर गांधी उन्होंने क्योंकि केजरीवाल उन्होंने नाल निठ के उन्होंने काम किया और इलेक्शन भी एम पी दे उन्होंने केजरीवाल उन्होंने पार्टी तो तद जीते थे जब पूरे देश दे विच एक भी सीट नहीं आई थी और बशर्ते 400 सीटा आम आदमी पार्टी ने वो 2014 400 सीटा इलेक्शन लड़िया थी और उन्होंने 4 सीटा पंजाब तो ही आई थी सारी। हुण इदां दे हालात दे विच एक पार्टी दे अंदर कुंवर विजय प्रताप जिन्होंने अपनी ही पार्टी दे उत्ते खास करके मुख्यमंत्री दे उत्ते बेअदबियां नूं लैके गोलीकांड नूं लैके जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिहड़ी सिट बनाईआं होईआं वो एक तरीके नाल पंजाब नाल धोखा हो गया और बड़े स्पष्ट शब्दों नाल और ए वाला जिहड़ा ट्वीट या फेसबुक पोस्ट जिहड़ी उन्होंने पाई थी विड्रॉ नहीं की और नॉर्मली उन्होंने इस तो पहले भी कई पोस्टा पाई थी पर विड्रॉ कर ली थी कि बाद चो डिलीट करती थी अपनी ही पाई हुई पोस्ट पर इस पोस्ट के उत्ते वो खड़े हुए नज़र आए। उस तो बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने जिहड़े कुंवर विजय प्रताप ने उन्होंने खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिता। हुण हालात ए ने कि केजरीवाल उन्हां कल्ले पै रहे ने। जे पहले एक टीम बनाई होंगी जे तुसीं अपने मैच कल्ले जीतना चाहते हो तो फिर कई बार मैच के हड़ा ला जाती है जो तुहानूं कोई दिक्कत आए। अज केजरीवाल उन्हां दी स्थिति इदां दी हैगी है कि अगर 2 तरीक नूं ते उह नहीं गए ईडी के सामने जे ईडी रीसमन करती है और 3-4 दिन का टाइम दे के दोबारा बुलाती है और केजरीवाल उन्होंने वो जो सवाल उस ईडी के संबंध उत्ते किए थे वह जवाब दे दी है तो फिर मैंने लगता है कि केजरीवाल उन्होंने बसीरत बढ़ सकती है। अदरवाइज जे तुसी दूजी बार तीजी बार भी उत्थे नहीं गए तो फिर जिथे तुसी कैंपेन कर रहे हो उत्थों भी ईडी जाके फड़ सकती है। भास्कर साहब इतने पंजाब की पॉलिटिक्स के संदर्भ से जानना चाहना हाँ कि एक बंदा पार्टी छड़ चुका है एक बंदा पार्टी के अंदर आ पार्टी के अंदर रह के भी वो पार्टी तो खुश नहीं है। इको ही पार्टी है कोई वक्री वक्री पार्टी नहीं इको ही पार्टी है। उस पार्टी के बारे दोनों के जिहड़े विचार ने वो एक सो ने और डॉक्टर धर्मवीर गांधी कहिंदे कि कुछ लोगों नूं अजे भी मुगालते हैगे भुलेखे हैगे कि पता नहीं की कर देना बीजेपी दे विच क्योंकि मोदी ते केजरीवाल नूं जदों एक जगह ते लिआंदे उह कहिंदे इको ही है कोई बहुता फर्क नहीं है इहनां दे विच ते उह जदों पंजाब दे संदर्भ च गल करदे आ फिर इत्थे कुंवर विजय प्रताप हुरी गल करदे आ इहदा मतलब है कि पंजाब दे अंदर कुछ ना कुछ तो खामियां होणगियां आम आदमी पार्टी दे अंदर जिहदे बारे ये लीडर इशारा करे क्योंकि आपां पार्टी तो बाहर बैठे हैं आपां नूं जो नज़र आउंदा जो साडा नज़रिया हुंदा आपां उह चीज़ां उहदे चों लिआउंदे कि घटना की वापरियां ने पार्टी दे अंदर बगावत किन्नी कु है एका किन्ना कु है अनुशासन किन्ना कु है लड़दी किवें आ पार्टी आपां उह चीज़ां देखदे हां पर पार्टी दे अंदर की हो रहा मैनूं लगदा कि उह पार्टी दे अंदर जिहड़े बैठे हुंदे ना वो ज्यादा बेहतर तरीके समझते होंगे तो जो पार्टी चो निकले बंदे तो आप ये तवक्को करते हैं कि बंदे ने पार्टी छड़ती माड़ा ही कहते सारे निकल के अंदर बैठा बंदा भी कह रहा अंदर बैठा बंदा तुम जब कह रहे हो तो तुम्हें लगता है कि बाकी वो अंदर बैठे ने हुण कुंवर विजय प्रताप उन्होंने अपनी आई जी की पोस्ट छड़ के उन्होंने राजनीति वो भी आम आदमी पार्टी के ज्वाइन करने तो पहले भी और बाद भी उन्होंने एक गल कही थी कि हम सियासत को बदलने आए हैं राजनीति को बदलने आए हैं राजनीति में मिलने नहीं आए। पर 1.5 साल सरकार का हो गया दसो तुसी इदां दा किहड़ा काम इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है जिहड़ी पुरानी सरकार ने ना किया होए यानी पुरानी सरकार जिहड़ी काम करती सी उस तर्ज ते आपां अगे वध रहे हैं करजे लैके बिजली माफ करना और होर तमाम मुद्दों के उत्ते आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी पिठ से थपथपांदी है पर सियानत गुड गवर्नेंस इस चीज़ के विच कभी भी नहीं मनी जा सकती कि तुसी कर्जा लैके कर्जा एक तरीके नाल तुसी जिदा कहिंदे ने लंगर लाना है तो तुहाडे घर दाणे नहीं तुसी लंगर लाने के विच उधार लैके लंगर ला रहे हो इदां दी चीज़ां के विच कुंवर विजय प्रताप उन्होंने भावें तुसी कहते अंदर वाले रहे हो पर उन्होंने हजे तक बहुत सारी गल्लां इदां दी करतीआं जिहदे राही असीं इह नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी के MLA तो है ने पर अंदर वाले नहीं है वो बाहर वाले ही है ने और बाहर वाले दे तरीके नाल ही वो पार्टी की खामियां नूं हुण उजागर करना शुरू किया है और इतने तक कि संघर्ष भी ऐलान दिता सीगा फिर किन्ने बाहर वाले गिणोगे फिर तो तुसी शीतल अंगुरा नूं भी बाहर वाला गिणोगे फिर तुसी देव मान नूं भी बाहर वाला गिणोगे फिर अमित रतन कोटफत्ता नूं भी बाहर वाला गिणोगे नहीं फिर उन्होंने बाकी तिना दे तुसी ना ले ने उन्होंने अपनी पार्टी के उत्ते बहुत इल्जाम नहीं लाया। शीतल अंगुराल ने अपने किसी साथी के फड़े जाने के उत्ते एडमिनिस्ट्रेशन नूं दोषी ते ठहराया सीगा पर इन्होंने MP ते उंगल चुकी है MP ते उंगल वो तो तुहानूं पता 36 दा आंकड़ा उहदे विच पार्टी अगर वो MP ते उंगल चुकी है तुसीं भी जानदे हो किस वजह नाल चुकी है वो पार्टी तो नाराजगी नहीं सी जिस पार्टी ने उन्होंने MLA बनाया हजे तक उन्होंने उहदे खिलाफ कुछ नहीं किया और बाकी जिहड़ा कोटफत्ता वाली गल वो भी पार्टी के उत्ते कुछ नहीं कह रहे और DC के उत्ते कंप्लेंटा कर रहे हैं कि DC ने मेरी नहीं सुनी
दलितों का एक तरीके अपमान करता और जबकि केस कुछ हो रहा है वह जिक्र भी असं अपने प्रोग्राम के कर ही चुके हैं कि उन्होंने पिता एक शाम लाल जमीन के उत्ते घर बनाना चाहते हैं जिदे करके डीसी साहब ने इस गल की इजाजत नहीं दी। वो मुद्दा कितों तो कितने चले जाता है पर जी मान लिया जाए क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने भी छड़ती सी आप मुड़ के वह चीज़ा देखने तो बाद ते कुंवर विजय प्रतापपुरी भी छेती छड़ सकते फिर आम आदमी पार्टी। देखो इस गल की कंसो तो हैगी है वो अपनी पार्टी तो नाराज़ ने पर छड़ना की उन्होंने वास्ते बेहतर होएगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज हालांकि कुंवर विजय प्रताप होना बड़ी जल्दी सफोकेटेड फील करते हैं तो ही उन्होंने जब अपनी आई जी की नौकरी छड़ी थी अगर ना छड़ी होंगी अज ए डी जी पी तो होंगे घट तो घट डी जी पी भी हो सकते थे पर इदा के हालात के पॉलिटिक्स में चेंज करने वास्ते किसी पोलीटल पार्टी में ज्वाइन करते और उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਫੋਕੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੋਕੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਛੱਡਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇ ਅਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ MLA ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਕਿ ਸਰਕੇ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਅਲੈਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਾ ਪੈਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਲਓ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ 830 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਤਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 830 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 830 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 532 ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
फार्मासिस्ट ते कलर्क तो लैके पुलिस कॉन्स्टेबल तक शामिल ने। सरकार के फैसले मुताबक कुल 101 कैटेगरी च पोस्टां नूं खत्म किया गया। भास्कर साहब यही तो रोना रहा है साडा अज तक, कल्ली मान सरकार लई नहीं है, यह हो सकता कि मजीठिया साहब जिहड़ी सरकार का हिस्सा रह चुके अकाली भाजपा गठजोड़ दी उदों भी पोस्टां खत्म कीतियां गईयां होण, क्योंकि तुहानूं इदां हुंदा अपना तो नज़र नहीं आता, दीवे थले नेरा हुंदा। कांग्रेस के दौर दे विच भी होईयां होणगियां, सेंटर दे विच भी यही चीज़ां चलदियां ने कि जिथे किते पोस्ट खाली हुंदी है ना, कहिंदे जी भरना नहीं इहनूं, जां तां ठेके ते भरिया जाऊगा, परमानेंट पोस्ट खत्म कर दिओ, जवाबदेहियां खत्म हो जाणगियां। देखो बहुत सारे महकमियां दे विच कुछ पोस्टां इदां दी हैगियां जिन्हां पोस्टां दे उत्ते या उन्हां पोस्टां दी उस महकमे नूं हुण लोड़ ही नहीं, तो उदां दी पोस्टां नूं जद एबोलिश किया जाता है तो उहदे उत्ते सियासी तौर पर सियासत तो हो सकती है पर उन्हूं जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। क्यों कारण जिदा मैं एग्जाम्पल दे रहा तुहानूं, हुण पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट दे विच एक तरीके नाल जिहड़ा ढोल बजाने वाला, इत्थे मैं थोड़ा जिहा टोक के माफ करना, मैं तुहानूं टोक के गल करन लगा क्योंकि तुसीं गल इत्थों ही शुरू करनी आ कि कुछ पोस्टां इहो जिहियां हुंदियां जिहड़ियां खत्म कीतियां जा सकदियां। इह सरकारी पोस्टां शुरू तो चलदियां आ रहियां ने और सारियां पार्टियां इह कर जिहड़ी पार्टी नूं जिहड़ा लगदा खत्म कर देना कर देना। हुण तुसीं कहिंदे जरूरत नहीं आ पोस्टां जिहड़ियां योगा दे लई सीएम दी योगशाला लई क्रिएट कीतियां, की उहदी लोड़ हैगी सी? नहीं, उहदी बिल्कुल लोड़ नहीं सी। खैर एक नवी स्कीम योगशाला दी जरूर कीती सी उन्होंने, लेकिन उस स्कीम दे विच कालामाला इही सीगा कि जिहड़े व्यक्तियां नूं दिल्ली दे विच लैफ्टिनेंट गवर्नर की ऑब्जेक्शन करके बेरोजगार किया गया सी, उन्हां नूं पंजाब दे विच रोजगार दिता गया और बहुत सारे महकमे दे विच दिल्ली वालियां नूं इत्थे स्पैशल पोस्ट क्रिएट करके दिती गई सरकार नूं। आपां जद मैं गल कहनी शुरू कीती सी, हो सकदा तुसीं यह अंदाजा या अंदेशा लै गए हो कि मैं सरकार के फैसले को सपोर्ट कर रहा, इदा का बिल्कुल भी नहीं थीगा। लेकिन जिहड़ी मैं गल कह रहा था वो यही थी कि बहुत सारे महकमियां दे विच कुछ पोस्टां इदा दी हैगी है जिन्हां पोस्टां दी हुण लोड़ नहीं, या तो उन्होंने पोस्टां दा दे अगेंस्ट नवीं पोस्टां क्रिएट की जाती है और अजकल के हिसाब के बराबर, जिदा हुण टाइपिस्ट की पोस्ट है, हुण टाइपिस्ट की पोस्ट किसी भी जगह है नहीं जी, लेकिन यह पोस्ट हजे भी चल रही है। और जिस तरह मैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ही गल कर रहा है कि वो जिहड़े रागी ढांडी आ भी जिहड़े पब्लिक की बकायदा सरकार की पोस्ट, क्योंकि उस जमाने तो यह पोस्ट चल रही है जब सरकार का भोंकू बजाने वास्ते लोगों हारमोनीयम लैके पिंड पिंड जाके वो एक तरीके पब्लिसिटी करनी पैंदी सी, सरकार के नुमाइंदे के तौर पर एक जत्था ढोलची ये सारे बंदे जाते थे। हुण अगर असी कही कि देखो जी सरकार ने वो पोस्ट डिलीट करती, वो अज के मुताबिक वो पोस्टा हो ही नहीं सकती। हाँ हुण यह गल है भी कि पोस्टा किहड़ी एबोलिश कीतियां, इन्हां पोस्टा दे भी लोड़ नहीं सी कि तुसीं बढ़न नहीं। एक तरफ तो सरकार 36,000 तो वध नौकरियां देने दे बारे च अपनी पिट सत्तबंदी नज़र आती है, दूजे पासे 840-830 जिनी भी पोस्टा हैगी है वो एबोलिश कर रही है। उन्हें एबोलिश करन दे वास्ते एक सही तरीके नाल अगर नोट प्रिपेयर करके आम जनता नूं भी दस्या जांदा कि किस करके जिहड़ी पोस्ट है तुसीं डिलीट कर रहे हो या एबोलिश कर रहे हो, तो चंगा सीगा। मजीठिया साहब अक्सर इस तरीके के खुलासे करते रहते हैं और बहुत सारे खुलासे उन्होंने इदा के भी होंगे ने कि सरकार दे कोल कोई जवाब नहीं होंगे। और खास करके कल भी असी जब गैर रस्मी तौर पर जसवीर जी गल आप कर रहे थे तो उहदे विच मजीठिया उन्होंने जिहड़े पोस्ट ने फेसबुक दे विच काफ़ी इंट्रस्टिंग होंगी, इहदा जिक्र तुसीं भी कर रहे थे पर अज जिहड़ी है पोस्ट मजीठिया साहब ने की है और 830 पोस्टां नूं एबोलिश करन दी गल सरकार ने हजे तक मन्नी ते नहीं, पर वो नोटिफिकेशन आ गया, उहदा नोटिफिकेशन भी आ गया। तो इदा दी हालात दे विच एक तरफ सरकार नौकरियां देने की गल कर रही है, दूजी तरफ अगर सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। भास्कर साहब जो नोटिफिकेशन दे विच जो मोटिया मोटिया चीज़ां जिहड़ियां नज़र आ रही ने जिहड़ी प्रिंट होया उहदे विच मैडिकल अफसर एक हैगा आ, सेंशन ऑफिसर हैगा आ एक, इसे तरीके नाल फार्मासिस्ट हैगे ने दो, सीनियर असिस्टेंट हैगे आ 31, कलर्क हैगे आ 79, इहदे तों इलावा ऑडिटर हैगे ने, हैड कॉन्सटेबल हैगे आ। हुण आ हैड कॉन्सटेबल ऑडिटर इन्हां दी लोड़ तुहानूं लगदा कि पोस्टां खत्म करन वाली लोड़ विद च? देखो हुणे पिछले दिन पहले कुछ दिन पहले ही भगवंत मान उन्हां पीएपी आए थी, जो मेरे ख्याल नाल काफ़ी वड्डी तादाद दे विच पुलिस दे महकमे दे विच नवी नियुक्तियां नूं एक तरीके नाल वो ज्वाइनिंग उन्हां दी करा के गए थी। इदां दे हालात दे विच इह वाली जिहड़ी खबर छपी है इहदी तफतीश करन दी लोड़ हैगी है कि इह वाकई हुणे कीती है 830 दे करीब अगर पोस्ट तुसीं हटा रहे। मजीठिया होरी कहिंदे कैबिनेट च फैसला ले लिया सीगा
लोगों नहीं दसिया, मीडिया नहीं दसिया, हूँ जो उन्होंने पोस्टर का नोटिफिकेशन किया सरकार ने उदो पता लग। देखो यह माड़ी गल हैगी, अगर तुम नौकरियां देन की गल कह के नौकरियां लै रहे हो और यह गल्लां तुम चुप चुपीते कर रहे हो कि सरकार का लोगों के नाल एक तरीके धोखा है, क्योंकि लोगों ने तुहाडी गरंटियां देख के वोट दिते सीगे, उन्हां गरंटियां दे विच तुसीं इह भी कहा सीगा कि फलानी कंपनी की बसों के परमिट लैके आपां अनएम्पलॉयड यूथ नूं देवांगे, फलानी जगह नूं छिन के लोक रॉबिनहुड बनन की गल तुसीं पहले कैंपेन के दौरान करते सी, ते अजकल तुसीं लोकां नूं लुटना शुरू किया होया, तो फिर अपने आप विच इन्हां पोस्टां वाली एबोलिश करन की गल नूं मैं यह समझना कि भई नहीं, यह गलत गल हैगी। होर पोस्टां क्रिएट की जानी चाहिए है। अज की डेट जब आपां ठेकियां नूं एक तरीके नाल दिल्ली की तरज के गवर्नमेंट के ठेके शराब के चलते, तो अपने आप में किन्ने लोगों को रोज़गार मिलता जे सरकार पक्के तौर पर मुलाजम भर्ती करती। हुणे वो ठेके से काम करने वाले करिंदे कहलांदे ने, बाकी वो सरकारी मुलाजम अगर होंदे तो काफ़ी कुछ चंगा लोगों को रोज़गार, बच्चों को रोज़गार मिल सकता सीगा। सारी गल्लां दे विच यह खबर वाकई एक दुखदाई तो हैगी है, नाल ही सरकार नू बेनकाब करती हुई भी नज़र आती, मतलब कुल मिला के पोलीटिकल लड़ाई भी हैगी है। इस गल तो सुरखरू नहीं किया जा सकता बिक्रम जीठिया। मैं जितों गल शुरू की थी, मैं उत्थे ही कहा सीगा हो सकता अकाली भाजपा गठजोड़ सरकार के समय ये भी कितने वध पोस्टां जिहड़ियां ने खत्म कीतियां होण, और बहुत सारिया पोस्टां खत्म कीतियां जांदियां ने। केंद्र सरकार बहुत सारिया पोस्टां जिहड़ी आ खत्म कर दिंदी है, भरिया नहीं जांदियां। यूनिवर्सिटीज़ दे विच बहुत कुछ इहो जिहा है जिथे पोस्टां खत्म कर दित्तियां जांदियां, जिन्हां दी विशेष लोड़ हुंदी आ उह खत्म कर दित्तियां जांदियां ने। क्यों कीतियां जांदियां ने? क्योंकि एक परमानेंट पोस्ट होएगी, उत्थे परमानेंट कर्मचारी रखना पएगा, परमानेंट कर्मचारी नूं उह सारियां सुविधावां, उह पत्ते, उह तनखाहां, उह सिक्योरिटी देनी पएगी जिहड़ी एक सरकार दी जिम्मेदारी हुंदी आ। जे पोस्ट ही परमानेंट नहीं, लोड़ पैगी, कहणगे जी ठेके ते रख लो, इत्थे कड़ा पोस्ट हैगी, ते ठेके ते रखे हुए बंदे दी किन्नी कु जिम्मेदारी तुसी लैंदे हो ये भी आपां जाणदे, जदों मर्जी कढ़ लो, जदों मर्जी रख लो, ते इहो जिहियां स्थितियां जिहड़ियां ने उह बणदियां ने। सो कुल मिला के इहदा हुण जवाब मालविंदर सिंह कांगहोरी दिंदे विक्रम जीठिया होरां दी इस पोस्ट दा, देखणा इह होएगा। पर उधर जिहड़े जवाब सर्विस दे विचों निकल के आ रहे ने तीन सूबियां दे विच जिथे कांग्रेस ते भाजपा सीधी भिड़ रही है, वह की कह रहे हैं, किहड़े पासे नूं जा रही है विधानसभा की चोण, क्योंकि अखाड़ा भग गया, इस महीने के निपट जानिया ने यह चोणा, तो 3 दिसंबर नूं आ जाणी इन्हां दे नतीजे, तो इहदा सीधा सीधा असर लोग सभा दीआं चोणां ते पैणा। गल करदे आं छोटे जिहे विराम तो बाद। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। ओपीनियन पोल या सर्वेज कोई नवा काम नहीं है, भारतीय दे बारे चंगे तरीके नाल जानते हैं कि चोणां तो पहला भी यह सर्वेज ओपीनियन पोल आउंदे आ, वोटां पैण तो बाद भी एग्जिट पोल जिहड़े आ उह आउंदे आ, ते एग्जैक्ट पोल जिहड़ी हुंदी है, जिहड़े नतीजे हुंदे आ उह तां तय तरीक ते होणे हुंदे आ, और असल नतीजे उही हुंदे आ। इह सिर्फ अंदाजे हुंदे आ, इह सिर्फ सर्वे हुंदे आ, जां अपने अपने तरीके नाल कीतियां गईयां चीज़ां हुंदियां ने, पर फिर भी दिलचस्प रहिंदे आ, किसे नूं हौसला दिंदे ने इह सर्वेज़, ते किसे दा हौसला तोड़दे भी कुछ नज़र आउंदे आ। सो इह तीन सूबियां दे सर्वेज़ जिहड़े निकल के आए ने, टाइम्स नाओ ETG रिसर्च दे वल्लों इह सर्वे कीते गए आ, राजस्थान, मध्य प्रदेश ते छत्तीसगढ़, इह उह तीन सूबे ने जिथे सिर्फ ते सिर्फ इह दो पार्टियां भिड़दियां ने, कांग्रेस ते भाजपा। हालांकि तेलंगाना दे विच वी चोण आ, पर उत्थे भाजपा गायब है, उत्थे मुकाबला BRS ते कांग्रेस दे दरमियान। मिजोरम दे विच मुकाबला भाजपा दा है नहीं गा, उत्थे कांग्रेस उत्थों दीयां खेतरी पार्टियां नाल भिड़दी नज़र आ रही है। सो इस करके आपां इन्हां तीन सूबियां की गल करनी है, तो शुरुआत आपां करांगे सब तो वड्डे सूबे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का सर्वे की कहिंदा, मध्य प्रदेश दे विच सरकार भारतीय जनता पार्टी की जांदी नज़र आ रही है, बावजूद इहदे कि अजे भी करड़ी टक्कर जिहड़ी हैगी आ। सर्वे कहिंदा भास्कर साहब कि भाजपा नूं उत्थे 107 तो लैके 115 सीटां आ सकदियां ने, कांग्रेस नूं 112 तो लैके 122, ते अदर्स जिहड़े आ 1 तो लैके 3 तक सीटां आ सकदियां। मतलब इत्थे कांग्रेस दी सरकार मध्य प्रदेश च बन रही है, और इह चिंता दा सबब लाजमी तौर पर भाजपा लई तां होएगा। जद असीं भी अपने प्रोग्राम दे विच मध्य प्रदेश दा जिक्र जद भी कीता है, तुसीं इह देखो कि इस तों पहले जद 5 साल पहले इलैक्शन होए सी तद भी कांग्रेस जीती सीगी,
और तकरीबन स्थिति इदा दी जिदा की हूँ प्रोजेक्ट की जा रही है और ज्योति राजे सिंधिया उन्होंने जिस तरीके कांग्रेस को छड़ के अपना एक गुट वखरा करके भाजपा को मदद करके शिवराज चौहान की सरकार एक बार फिर बनाती थी उदा के हालात फिर नज़र आ रहे हैं। हालांकि भाजपा और कांग्रेस की भावें एज हैगी है पर अंतर बहुता नहीं है और पिछली बार भी वोटिंग परसेंटेज के बहुता अंतर नहीं था बीजेपी और कांग्रेस के बीच ए अपने आप क्योंकि जब कर्नाटका दे विच भी इलैक्शन हो रहे थे रिजल्ट आ रहे थे तद भी यह गल कही जा रही थी भी इन्नी सीटों तो घट आई तो बीजेपी कभी भी सरकार तोड़ सकती है क्योंकि कर्नाटका दे विच भी मध्य प्रदेश की तर्ज के उत्ते सरकार एक बार तोड़ी गई थी और हुण भी उसकी संभावना हजे भी बनी हुई है। हजे भी कुछ खबर इदा की छपदी है कि फिर एक बार बीजेपी अंदर खाते तैयारी कर रही है कि कर्नाटका की सरकार को किदा पलटना है। इत्थे मध्य प्रदेश के कांग्रेस की एज मतलब और जिस तरीके नाल शिवराज चौहान उन्होंने पार्टी की हाईकमान ने उन्हों की पार्टी की हाईकमान ने बहुती तवज्जो ऐतकी नहीं दी और जब टिकट भी मिली तो वह भी काफ़ी अटकल जब इदा की लग रही थी कि ऐतकी शिवराज चौहान उन्होंने बहुती टिकटा नहीं दी जाएगी और उन्होंने आप को भी टिकट नहीं मिलेगी और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तो शिवराज चौहान को जब बाहर रखा गया तद ही इस गल का इंडीकेशन मिल रहा है। पर हाँ कांग्रेस की एज यह अपने आप कांग्रेस के वास्ते एक खुशी की खबर तो है पर कांग्रेस के विच भी कलेश तो हजे भी अगे तुर रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा उन्होंने नाल भी एक टसल अगे चलती तुरदी है और उन्होंने अगर जित प्राप्त हो भी जाती है तो कमलनाथ जो पहले अपनी सरकार को इंटैक्ट रखने के फेल हो गए थे कि दिग्विजय सिंह उन्होंने अगर मौका मिलता है तो वह इस तरीके की जिहड़ी घात हैगी है जिहड़ी पार्टी के अंदरों मिलती है उन्होंने रोकने के कामयाब होंगे क्योंकि काफ़ी पुराने वो मध्य प्रदेश के लीडर रहे ने, राजा परिवार तो बिलोंग करते हैं पर कांग्रेस की एज वो बीजेपी वास्ते एक चिंता का विषय जरूर हैगी है। नाल ही फिर आप छत्तीसगढ़ की भी गल कर लें कि कल्ला मध्य प्रदेश के नहीं कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भी अपनी सरकार बचाती नज़र आ रही है और भूपेश बघेल लगातार हावी होंगे नज़र आ रहे उन्हां दियां टीवी दियां बहसां भी देख लो उत्थे भी हावी नज़र आउंदे तुहानूं उत्थे भी पत्रकार जिहड़े आ जिहड़े इक पासड़ होकर भी चलते हैं जिस तरीके दे उन्हां नूं जवाब दिंदे आ ना वो अपने आप दे विच दिलचस्प आ सोशल मीडिया ते घूमदे पए ने कि जदों पत्रकार बार बार पुछदे जी बीजेपी आ कहिंदी बीजेपी आ कहिंदी वो कहिंदे पत्रकार बन के तुसीं अपने वल्लों सवाल पुछो बीजेपी की कहिंदी आ उहनूं छड्ड दिओ ते वो छत्तीसगढ़ दा सर्वे कहिंदा आ कि 27 तो 35 सीटा 90 टोटल सीटा है 27 तो 35 कहिंदे भारतीय जनता पार्टी के खाते च आउणगियां 51 तो 59 जाने के क्लीयर मजोरिटी के नाल सरकार बनदी कांग्रेस की इत्थे नज़र आ रही है 2 से 6 जिहड़ियां ने वो आदर्श मिल रही ने। जदों तो इलैक्शन का यह बिगुल वजिया तद तो यह खबर छत्तीसगढ़ तो इदा द ही आ रही है। एक भी वार असी किसी भी पोलीटिकल एक्सपर्ट जे ग्राउंड जीरो से डटे हुए ने उन्होंने नहीं दसिया कि बीजेपी की एज है और बीजेपी की गल भी जब करनी हो रमन सिंह होंगे थे 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार तो पहले मुख्यमंत्री और रमन सिंह इन्ह 5 साल कितने रहे और जब उन्होंने एंट्री भी होंगी है री एंट्री भी होंगी है तद भी भाजपा के उन्होंने बहुती तवज्जो नहीं दी। मध्य प्रदेश के एक बड़ा जबरदस्त मैसेज भाजपा का गया हुआ है कि लीडरलैस पार्टी हो गई उत्थे क्योंकि रमन सिंह की जगह लैन वास्ते किसी वड्डे नाँ का ना की चर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश के काफ़ी इन्होंने अपने 7 MPs भी उतारे ने जिस तो 3 यूनियन मिनिस्टर ही है पर छत्तीसगढ़ के बड़ा एक जिदा कहें ना तूफान तो पहले शांति वाला काम हैगा उत्थे भावें प्रधानमंत्री का दौरा हो चुकिया नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप कांग्रेस के उत्ते लाता राम मंदिर की गल हूँ प्रधानमंत्री तो अमित शाह उन्होंने अपनी जी रैलियां कर रहे हैं पर मध्य प्रदेश तो लगातार इस रिपोर्ट का बनया रहना कि भूपेश बघेल की सरकार एक बार दोबारा रिपीट कर रही है मैं लगता है छत्तीसगढ़ तो यह अपने आप में जिस तरह कही है कि भी पहले मध्य प्रदेश की खबर इस सर्वे राही भी और ग्राउंड जीरो तो भी जी रिपोर्ट आई असी तो अवगत कराया तो छत्तीसगढ़ के लगातार कांग्रेस की एज बनी हुई है और यह जो सर्वे है यह तो एबसोल्यूट मेजोरिटी दे रहा है अपने आप में कांग्रेस भावें 5 सूबों के रिजल्ट कि ना आए पर सब तो पहले छत्तीसगढ़ की गल होंगी है कि छत्तीसगढ़ के जे कांग्रेस रिटेन कर रही है तो यदा असर मध्य प्रदेश के भी होएगा क्योंकि मध्य प्रदेश के ही छत्तीसगढ़ निकलिया है और मध्य प्रदेश के भी इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस एज लै रही। फिर थोड़ा जहा संतुष्टि आप भाजपा भी कर दें क्योंकि एक पास भूपेश बघेल हो रही अपनी सत्ता बचाते नज़र आ रहे सर्वे के मुताबिक
मध्य प्रदेश दे विच कांग्रेस चंगी परफॉर्मेंस दिंदी नज़र आ रही है, पर राजस्थान दे विच अशोक गहलोत लई मैनू लगता है कि कोई स्थिति बहुत ही वधिया नहीं है। जो सर्वे कहिंदे आ कि जे यही नतीजे होए बाद च सोचणगे तां सही कि जे किते जो कांग्रेस राष्ट्रीय प्रधान बनाउंदी पई सीगी उदों मन लैंदे गल ते ज़्यादा बेहतर ना रहिंदे, भावें सीएम ना रहिंदे, उदों सीएम रहना ही उन्होंने पसंद किया सीगा। राजस्थान के सर्वे कहिंदे आ कि कांग्रेस 68 तों 78 सीटां ते जाके अटक जाएगी ते भारतीय जनता पार्टी 114 तों 124 सीटां जितेगी ते अदर्स नूं 6 तों लैके 10 सीटां आउणगियां। मतलब इत्थे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, कांग्रेस की सरकार की रुखसती हो रही है और मोदी साहब का कद बनिया रहेगा क्योंकि सारी जिम्मेवारी उन्होंने कोल ही आ राजस्थान की। राजस्थान के टोटल 200 सीटा है और पिछली बार कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नाल उत्थे सरकार बनाई थी। कई बार सरकार खतरे के हुई, सचिन पायलट ने जब बगावत की तो लगता सी भी सरकार गिर जाएगी, पर कांग्रेस हाईकमान लगातार दोनों खेमिया के एक समन्वय बनाने की कोशिश करता हुआ नज़र आया और यह समन्वय इलेक्शन तो ठीक पहले यानी एक महीने पहले जो एक मीटिंग हुई थी उस तो बाद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की गल हुई तो हूँ किसी न किसी जगह कांग्रेस यूनाइटेड नज़र आती है। दूजे पास भाजपा की गल करिए तो भाजपा वसुंधरा राजे सिंधिया उन्होंने इग्नोर करके कि राजस्थान के चढ़त हासिल कर सकेगा कर सकेगी, ये उत्ते एक सवाल खड़ा होया सी, पर एंड टाइम के उत्ते भावें संघ की इंटरवेंशन नाल ही होया होए वसुंधरा राजे सिंधिया उन्होंने एक तरीके नाल पैसीफाई करन दे विच बीजेपी कामयाब हुई। 32 MLA जिहड़े क्लोज सीगे वसुंधरा राजे सिंधिया उन्होंने टिकट दिती गई। वसुंधरा राजे सिंधिया उन्होंने ऐतकी बतौर अगले CM दे तरीके नाल ते प्रोजेक्ट नहीं किया। दिया कुमारी जिहड़ी MP हैगी है बीजेपी की उन्हों का नाम भी CM की पोस्ट के उत्ते चलदा गया, पर दिया कुमारी और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों रॉयल फैमिलीज तो बिलोंग करती है, तद भी इन्हां दे विच बहुती लड़ाई देखने को नहीं मिली CM दी पोस्ट वास्ते और शायद इस गल का ही फायदा BJP नूं इस सर्वे दे विच हुंदा होया नज़र आता है। 200 विचों 114 तो 122 सीटां की गल तुसीं कीती है, इहदा मतलब बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी नाल BJP राजस्थान दे विच सरकार बनाएगी। एक साडे भी मित्र हैगे ने उन्होंने भी सर्वे टीम उत्थे गई हुई है, उन्होंने भी मैनूं कुछ दिन दस्सिया कि सर्वे करिए तो सर्वे दे विच BJP काफ़ी उत्ते नज़र आती है। जब मैं पूछा किन्नी उत्ते नज़र आती है कहते 20-25% तो कहते, पर जमीनी पद्धर के उत्ते कांग्रेस भी खड़ती तो लड़ती नज़र आ रही है, इस करके वो खुद सर्वे करने वाली टीमां भी कन्फ्यूज सी कि सर्वे दे विच ए रिपोर्ट आ रही है और दूजे पास जमीनी पद्धर के उत्ते जब असी सब कुछ माहौल देखते हैं तो कांग्रेस के पक्ष में भी नज़र आता है। जब असी यह गल कह रहे हैं क्योंकि दोनों बाकी सूबियां नूं डिस्कस करते हुए तो असी सर्वे दे उत्ते स्ट्रिक्ट सीगे, हुण इहदे उत्ते आपां कुछ वखरी गल्लां भी कीतियां क्योंकि इत्थे BJP ज़्यादा सीटां लै रही है। साडे BJP दे भरा साडे तो इस गल तो नाराज़ ना होण, जिहड़ी इह ग्राउंड रियलिटी है इस तो तुहानूं अवगत करा रहे हैं। जे इदां दी सिचुएशन जिहड़ा सानूं पता लग रही है अगर इदां दी नहीं है खुश रहो वधिया हैगा। एक छोटी जी टिप्पणी मैं ये चाहना हाँ कि आप जदों भी गल करते कहने कि 5 सूबियां दीआं चोणां दे नतीजे प्रभावित करनगे 24 नूं, हुण जो सर्वे कहिंदे आ जे इदां दे मुताबक हुण तेलंगाना दे विच तां भाजपा वैसे भी पिछे ही है ते मिजोरम दीआं सीटां दा कोई बहुता एडा है नहीं उहदी चर्चा नहीं होणी। हुण इन्हां तिन सूबियां दे विच ते दोनों पार्टियां दे वास्ते विन विन सिचुएशन आ। हुण भाजपा जे कहिंदी आ कि मध्य प्रदेश असीं हार गए अगले कहणगे असीं राजस्थान जित लिया जे सर्वे दे मुताबक नतीजे आउंदे आ, जे कांग्रेस कह गई जे असीं राजस्थान हार गए हां असीं मध्य प्रदेश जित लिया, इहदा मतलब किदां दा प्रभाव पएगा फिर 24 दे उत्ते? देखो 24 दे उत्ते इहना जिहड़ा तिन सूबियां की गल आपां कर रहे हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान, पिछले इलैक्शन दे विच तीनों असैम्बली इलैक्शन कांग्रेस ने जीते सीगे पर उस तो बाद जब 6 महीने बाद लोकसभा दे इलैक्शन होए तो इन्हां तीनों सूबियां दे विच BJP ने बहुत वधिया परफॉर्म किया बिल्कुल और मैक्सिमम सीट शायद मेरे ख्याल नाल मैक्सिमम की हुंजा फेरी जित सी हुंजा फेर जित सी ते इस करके यही हाल दिल्ली दा सीगा। दिल्ली दे विच भावें तीजी बार कांग्रेस की केजरीवाल उन्हां दी सरकार बन गई पर लोकसभा इलैक्शन दे विच केजरीवाल की पार्टी नूं हमेशा 0 ही स्कोर मिले है और पंजाब ही है जिन्हें MP बनाए। अज भी पूरे देश दे विच अगर केजरीवाल की पार्टी का MP हैगा तो वह जलंधर तो ही हैगा, वह भी एक ही एक वेले भी 0 हो गया सीगा नहीं तो यह भी 0 हो गया सीगा और 10 MP उन्होंने राज्यसभा दे विच है। हुण हालात अगर असी कहीए कि भी सूबियां दे विच किदां दे हैगे हैं वो तो 3 तरीक नूं पता लगेगा, पर हाँ इन्हां सूबियां दे विच जे BJP हार जाती है तो वह इंपैक्ट लोकसभा इलैक्शन के उत्ते किन्ना कु पएगा। जे असी पिछोकड़ देख के अंदाजा लाइए तो BJP इस गल तो बिल्कुल भी नहीं डरती, उन्हों का मानना है कि भी ए तो होंगे ही है जे असैम्बली हार भी जाइए
ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 2024 ਦਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਸ ਕੀ ਨੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਹਿਨਤਾ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਮੈਂਬਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ, ਜਦ ਵੈਂਕਟਾ ਰਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ SBI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SBI ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਡੋਨਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਡੋਨਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ, ਲੋਸ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਤੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਹਾਂ,
मैंने किसी पोलिटिकल पार्टी नू ईमानदारी दे नाते वोट देना है। जे मैनू यह गल पहले पता लग गई भी है फलानी कंपनियां ते इन्हां नू करोड़ों रुपए किस करके दे रही है जी, ते उहदे बाद मैं अपना डिसीजन चेंज कर सकदा। यह भी एक वजह है कि वोटर नू जिस पोलीटिकल पार्टी नू वोट दे रहा है उन्हूं अधिकार है कि उहदा कच्चा चिट्ठा उहदे सामने रख्या जाए। बिल्कुल। और वह कच्चे चिट्ठे रखन तो बाद अगर कोई फैसला लैंदा वोट देण दा ते अपने आप ही। दूजी गल सुप्रीम कोर्ट दे विच बड़ी इंपोर्टेंट गल निकल के आई जद जज साहब ने यह गल कही कि क्यों ना असी समानता का अधिकार अपनाइए। धारा 14 जी कॉन्स्टिट्यूशन की हैगी है वो समानता का अधिकार मिलता है कि जिन्ना भी फंड आ रहा इलैक्टोरल बोंड्स के जरिए उन्होंने एक जगह इकट्ठे कर दीए, फिर इलैक्शन कमीशन की ड्यूटी लाई जाइए कि ऐसे सारे फंड उन्होंने जन आधार के बेस के उत्ते वंड दिता जाए। तो वो तुषार मेहता जोड़े सोलिसिटर जनरल ने उन्होंने कहा जनाब फिर तो कोई ये चवानी नहीं देगा। इस गल उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फड़ लिया। हाँ हुण तुसी आए ना लाइन बिल्कुल कि भी जे असी समानता का अधिकार दईए तुसी कहिंदे कोई पार्टी चवानी नहीं देगी, इहदा मतलब रूलिंग पार्टी नू किसी भी तरीके नाल पैसा जिहड़ा मिल रहा है वह एक तरीके नाल तुसी भी समझदे हो किस करके मिल रहा है। और दूजी गल कि सरकार कोल बहुत सारे इदां दे वेज एंड मीनस हैगे ने जिहदे जरिए वो कम कोई कंपनी कि पार्टी नू पैसा दे रही है। सपोज मध्य प्रदेश के कर्नाटका के कांग्रेस की सरकार है उत्थे वो कंपनियां कांग्रेस की सरकार नू पैसा दे रही हैं। बिल्कुल। पर केंद्र सरकार नू यह पूरा सिस्टम ही क्योंकि हालांकि केंद्र सरकार है कोर्ट च कह रही है कि सानू नहीं पता, लेकिन यह गल का अंदाजा लाया जा सकता है कि वह जिहड़ी कंपनी है वह इनकम टैक्स रिटर्न भी भर रही है बेनीफिट भी ले रही है। होर भी है ये यह भी गल आई सी कहिंदे कंपनियां यह भी कर सकदियां कि आप इनकम टैक्स तो बचने लिए जो अपने लेखे चो के दिखाने की बजाय वह इलैक्टोरल बोंड अपने ना से खरीदने की बजाय किसी होर के ना से खरीद लेंगे। बहुत सारी गल कर लेंगे यह भी धोखा कर लेंगे। और सब तो वड्डी गल हैगी है कि कंपनी के गल कही कि कुछ CSR यानी जी सोशल रिसपोंसिबिलिटी है कारपोरेट सोशल रिसपोंसिबिलिटी बिल्कुल उहदे नाते हर कंपनी की ड्यूटी होंदी है कि अपनी इनकम का जिहदी 5,000 करोड़ की इनकम हैगी है उहदे विचों एक 25% 20% जिन्ना भी उहदे मैंडेटरी हैगा उहनूं CSR दे उत्ते खर्चने जरूरी होंदे बिल्कुल लोक भलाई दे कम्मां ते। और लोक भलाई दे कम्मां दे विच हुण पोलीटिशियन इस गल नूं कित्थे है कि वह अपनी कॉन्स्टिचुएंसी दे विच CSR किसी कारपोरेट सैक्टर के थ्रू कोई भलाई दे काम करदे ने, यानी बहुत सारा गेम चलता है। और इस गेम दे विच हुण सुप्रीम कोर्ट ने ठान लिया कि आपां लैवल प्लेइंग फील्ड देनी है और उन्होंने जिहड़ा इलैक्शन कमीशन ऑर्डर करता है कि भी 2018 तो लैके हुण तक किहड़ा डोनर किहड़ा बंद लिफाफे दे विच रिपोर्ट दो। हालांकि इलैक्शन कमीशन उत्थे प्लीड करता होया नज़र आया जनाब तुहाडा 2019 दा ऑर्डर सीगा तां तुसीं सानूं एक साल वास्ते कहा सीगा कि इलैक्शन दा रखिए, उह कहिंदे कित्थे कहा सी एक साल दा, असीं तो उस टाइम भी कहा सीगा इट शुड बी ए कंटीन्यूअस प्रोसैस। इलैक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलैक्शन कमीशन नूं अधिकार हैगा कि उहदे कोल सारी जानकारी होए कि कीड़ी पोलीटिकल पार्टी तो कित्थों है पैसा आ रहा है, क्योंकि इस पार्टियां दे फंड नूं खर्चन दे उत्ते इलैक्शन कमीशन दा एक टूल चलता है ते फिर वो पैसा आ कित्थों रहा है इलैक्शन कमीशन नूं ते पता होना चाहिए। उन्हें कह दिता है 2 हफ्ते दे विच वो डिटेल दो बंद लिफाफे दे विच, जे वो डिटेल दे विचों कोई खुलासे निकल आते हैं जी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि राहुल गांधी उन्होंने जिहड़े अडानी उन्होंने इल्जाम लाते हैं या फिर अंबानी उन्होंने उत्ते लगते हैं यह वड्डे सेठ किन्ने पैसे BJP दे रहे हैं। हजे तक तो यह सिर्फ इल्जाम के तौर पर अगे वधदे सी, जे दुध का दुध पानी का पानी हो गया और यह गल जनतक हो गई लगता नहीं कि होने देंगे, पर सुप्रीम कोर्ट डाढ़ा बहुत होंदा इस वेले DY चंद्रचूड़ हो रही है तो फिर कुछ भी हो सकता। असल च सवाल यह भी है ना कि लोग फंडिंग करते असी कारपोरेट घराणियां नूं भी लोगों की रख लें, लोग फंडिंग करते ना पोलीटिकल पार्टियां नूं, इन्हां दे कड़ा हड़ चलते हैं कि सवेर नूं दिहाड़ी ला के आते तो शाम नूं फिर पोलीटिकल एक्टिविटी करते हैं, लोग देंदे इन्हां नूं पैसे चोणां लड़न दे लई, फिर जो सत्ता च आउंदे आ लोगों के टैक्स तो इकट्ठा किया गया पैसा इन्हां नूं तनखाह के रूप के मिलता है, इन्हां नूं जे जहाज जे प्रधानमंत्री हुरी 8,500 करोड़ के जहाज के झूटे लेंदे तो वह उन्होंने आप तो खरीदया नहीं भाई, सरकारी तौर पर खरीदया गया तो सरकार नूं पैसे कित्थों आए, लोगों के सिगे टैक्स तो उगराए गए, तनखाहां तुहानूं उधरों आउंदियां, सिक्योरिटी तुहानूं उधरों मिलती है, फैसिलिटीज़ तुहानूं उधरों मिलती है, सरकार लोगों के चुनन के नाल बनती है तो उन्हां लोगों नूं ही तुसीं जवाब दे नहीं हो उन्हां पैसों के लिए जिहड़े लोगों ने दिते ने, तो लोग फिर ये उत्ते क्यों ना टेढ़ी नज़र रखन कि भाई जिहड़े बहुते पैसा देंदे आ
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਦ ਸਲੇਵੇ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।